आज एक नए इतिहास का निर्माण किया है। कुछ दिनों पहले अयोध्या जी में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक नए इतिहास का सृजन हुआ। लेकिन आज रेवतड़ा की भगवान आदिनाथ जिन बिंब की प्राण प्रतिष्ठा जिन बिंबों की प्रतिष्ठा अंजन शलाका और ध्वजा का कार्यक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं ये कह सकता हूँ वो अनूठा था, अद्वितीय था, अनुपम था, ऐतिहासिक था। और रेवतड़ा ने ऐसे भामाशाह दानदाताओं की बदौलत भाई रमेश जी, भाई जैन जी, भाई प्रवीण जी, स्वर्णिम अक्षरों में रेवतड़ा का नाम अंकित हो गया। और आज केवल भारत में नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास कल अमेरिका से फोन थे, बाहर के देशों में रेवतड़ा की चर्चा हो रही है यहाँ के उदार मना भामाशाहों के कारण से। तो ये धर्म के प्रति समर्पण, अध्यात्म के प्रति समर्पण, ये नई पीढ़ी को सीखने को मिलेगा और एक नए इतिहास का निर्माण जालौर जिला रेवतड़ा ने किया है। भगवान आदिनाथ हमारी संस्कृति के पुरोधा हैं, उन्होंने असी मसीह कृषि का संदेश दिया था, उनके पुत्र भरत के आधार पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है और उन्हीं के भगवान आदिनाथ के नाम के आधार पर महान गच्छाधिपति आचार्यों और आचार्य भगवंतों और सैकड़ों साधु साथियों के सानिध्य में जो कार्यक्रम हुआ है और हमारे GM ग्रुप ने और गोल्ड मेडल ग्रुप ने एक नए इतिहास का निर्माण किया है। मैं उनका अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से और संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत सराहना करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ।